हेलो सो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो सो उम्मीद है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी आगे अपकमिंग एग्जाम्स में। अभी जो एग्जाम्स हैं, यूजीसी नेट की डेट आ चुकी है, उसके बाद साथ साथ यूजीसी नेट के साथ साथ ईएमआरएस एग्जाम की डेट आ चुकी है, इसके साथ साथ एसएसबी उड़ीसा की डेट आ चुकी है, और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होंगे जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो की कंटिन्यूशन में ये वाला सेशन है। लास्ट हमने डिस्कस किया था 18 फर्टिलिटी इंडिकेटर्स, एक टॉपिक और ऐड कर लीजिए अपने उसमें, ये 18 इंडिकेटर्स थे और इन्हीं इंडिकेटर्स की जो वैल्यू है ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो इसमें ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे चलते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। लास्ट ईयर भी ये हमने जून 2022 में इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन इसमें जो की पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो जल्दी हमारा सेशन खत्म हो जाएगा और इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, मॉक टेस्ट की आपकी क्वेरीज आ रही थी यूजीसी, स्पेशली यूजीसी नेट के लिए। तो यूजीसी नेट के लिए जो मॉक टेस्ट है वो हम लोग दिवाली के बाद मतलब 15th ऑफ नवंबर तक लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो और जो अगर कुछ भी डिटेल्स हैं इसकी, दिवाली तक या उसके बाद तुरंत मिल जाएगी मॉक टेस्ट से रिलेटेड। चलिए, काम उस पे चल रहा है, अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये हम लोग डेटा हम लोग ले रहे हैं वो NFHS 5 का है, और NFHS की जो रिपोर्ट है इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं काफी, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि NFHS कौन कंडक्ट करता है। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको कंडक्ट करती है, लेकिन इस बार जो NFHS 5 था इन्होंने डेजिग्नेट किया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर पॉपुलेशन साइंस IIPS मुंबई को कि NFHS 5 की आप सर्वे करिए, नोडल एजेंसी के रूप में इन्होंने ये सेलेक्ट किया था IIPS मुंबई, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल गाइडेंस फॉर द सर्वे, टेक्निकल गाइडेंस के लिए। बहुत अच्छा, एक आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स, कौन कौन से इंडिकेटर्स में शामिल होते हैं, स्टेट एंड नेशनल इंफॉर्मेशन। देखो इसमें फर्टिलिटी आ जाता है, TFR, MMR, ये सब आ जाता है, और IMR वगैरह, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी आ गया, प्रैक्टिस फॉर फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, एनेमी आ गया, योर यूटिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ये सब आ गया। इसमें से क्वेश्चन एक बन सकता है कि इनमें से कौन कौन सा इंडिकेटर ऐड होता है या कौन सा इंडिकेटर ऐड नहीं होता। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं NFHS 5 ने जो कवर किया है, 2019-20 का ये डाटा है, ठीक है, ये इस टाइम के ड्यूरिंग ये सर्वे कंडक्ट हुआ 2019-20, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा आपको NFHS 4 से रिलेटेड, तो NFHS 4 2015-16 का टाइम पीरियड का है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, निल है। जो क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से बन जाती है आपके 100% NFHS 5 से, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। तो 7 लाख हाउसहोल्ड्स इसमें कवर किए गए थे डाटा कलेक्शन के लिए, 67 इंडिकेटर्स इन्होंने यूज किए थे, ये भी सिर्फ याद रख लेना 67 इंडिकेटर्स, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी। NFHS फर्स्ट 1992-93 में हुआ था, NFHS 2 जो NFHS 2 था 1998-1999 में, और 3 हुआ 2005-06, और 4 हुआ 2014-15, और अब है NFHS 5 2019-20, ये टाइम ड्यूरेशन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये भी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 6.3 लाख सैंपल हाउसहोल्ड्स लिए गए, 707 डिस्ट्रिक्ट्स लिए गए, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज को शामिल किया गया इसमें, ठीक है। मैन की संख्या और वुमेन की संख्या, ठीक, हालांकि मैन वुमेन की संख्या ऐसा तो नहीं पूछता। अब देखते हैं कि इंडिकेटर कौन कौन से हैं। नंबर वन सेक्स रेशियो, यहाँ पे बहुत ये कंट्रोवर्शियल गया, ये बहुत ऐसा टॉपिक था जो न्यूज वाले ने काफी कवर किया कि सेक्स रेशियो इंडिया का बढ़ गया है, पहले 940 सेंसस के हिसाब से था, अब कितना हो गया NFHS 5 के हिसाब से 1020, मतलब कि 1000 मेल पॉपुलेशन के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं, 1020, 1020। अब फीमेल की संख्या ज्यादा होगी मेल से, एक तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जितने भी ये की इंडिकेटर्स की डिटेल्स हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, पिछले सेशन में। तो इसमें हम लोग जो वैल्यू है उस पर फोकस करेंगे, और ये हाईएस्ट सेक्स रेशियो था फर्स्ट टाइम जो मॉडर्न सिंक्रोनस सेंसस हुआ, मतलब कंप्लीट सेंसस हुआ 1881 में, 1 से अब तक का ये सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है। और 2005-06 एक ऐसा पीरियड था NFHS का जिसमें 1000 मेल और 1000 फीमेल पॉपुलेशन थी, ठीक है, मतलब दोनों का इक्वल था, सिर्फ इक्वल एक ही टाइम हुआ 2005-06 के NFHS रिपोर्ट में। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है, TFR होता क्या है, ये लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया है, ठीक है। TFR, अब वैल्यू देख लो यहाँ पे क्या है, 2.2 से घट के कितनी हो गया 2.0, मतलब 2%
दो रह गया टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एवरेज एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, जब वो रिप्रोडक्टिव एज में होती है 15 to 49 एज में। सो ये ध्यान रखिएगा TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितना, दो रह गया है। आगे देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR होता क्या है, लास्ट में हमने डिस्कस किया था ना अच्छे से 1000 चिल्ड्रन पे कितने ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो अभी एक साल के अंदर अभी कितना है 35.2, ये ध्यान रखिएगा 35.2। अगर हम कंपैरिजन करें यूपी से कंपैरिजन करें तो यूपी में कितना है 50.4, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अगर हम बात करें तो 41.9 है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये यूजीसी नेट में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है इकोनॉमिक्स पोर्शन में, ठीक। उसके बाद जो ये वाले इंडिकेटर्स हैं ये अभी तक नहीं पूछे हैं तो करने की जरूरत भी नहीं है। आगे देखते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ। इंस्टीट्यूशनल बर्थ होते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और बर्थ दे रही है किसी भी बेबी को, वो घर में नहीं हो बल्कि किसी इंस्टीट्यूट में हो, बल्कि हेल्थ जो भी इंस्टीट्यूट है चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे वो कुछ और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उसमें पहले 79% था ये, अब 89% हो गया। अभी भी 11% ऐसे लोग हैं जो घर पे डिलीवरी कर देते हैं या फिर जो अननोन तरीके से, इसका कुछ पता ही नहीं लग पाता, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल नहीं है। चलिए 89% यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब 89 हो गया है इंस्टीट्यूशनल बर्थ, ठीक है। अगर हम एरिया वाइज करें रूरल एरिया अराउंड 87% बर्थ आर बीइंग डिलीवर्ड इन इंस्टीट्यूशंस, और सेम 94% अर्बन एरियाज में, ठीक है, रूरल एरिया में थोड़ा सा अभी भी कम है 87। चलिए न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में ऑलरेडी बन चुका है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट फर्टिलिटी रेट जो मोर्टेलिटी है कितने डेज में होती है, वो 28 डेज के अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है अमंग 1000 लिव बर्थ्स, ठीक है, ये कितना है ये ध्यान रख लीजिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है, NMR 25 है, ये ध्यान रख लीजिएगा, नेक्स्ट डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले ये था 30, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन फ्रॉम 30 डेथ रेट, ठीक है, और अभी कितना है बिफोर द 15-16 रिपोर्ट 25 डेथ पर लिव बर्थ NFHS 5 के हिसाब से, तो अब 25 है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कितनी मदर्स ऐसी हैं जो पर लाख में से जिनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग मतलब आफ्टर बर्थ कह लो या फिर जन्म देने के बाद 42 डेज तक, ये ध्यान रखिएगा, ये पीरियड पूछ सकता है कि कितने दिन तक, ठीक है, मदर की डेथ हो, तो हम लोग उसमें MMR में कैलकुलेट करते हैं, और ये ऐसे डेटा है जो 1 lakh पर वुमेन पे काउंट होता है, ठीक है। MMR 103 हो गया है 17-19 फ्रॉम 113 था 2016 से 18 पीरियड में, तो 103 है MMR, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक इस टाइप का डाटा पूछेगा ही पूछेगा। चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन देखिए, बच्चे कुपोषण का शिकार तो नहीं है, उसमें भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे स्टंटिंग देखिए, स्टंटिंग होता है बौनापन, 38% से कम हो गया 36% हो गया, फिर भी बड़ा डाटा है ना, अगर बौनापन रह रहा है पर प्रॉपर हाइट नहीं है। वास्टिंग, वास्टिंग होता है कि कमजोरी तो नहीं है, 21% से ये 19% रह गया। अंडर वेट अगर कोई प्रॉब्लम है तो 36-32% आ गया है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, मतलब थोड़ा थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी वो सोचने वाली बात है कि 32% बच्चे ऐसे ही अंडर वेट है। उसी तरह इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड एक स्कीम आई थी मिशन इंद्रधनुष, ऑलरेडी वो यूजीसी में पूछ चुका है मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड टू व्हाट। अगर यूजीसी में कोई क्वेश्चन आ गया तो डैम श्योर है कि वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट पीजीटीज में आना स्वाभाविक रहता है, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष भी इम्यूनाइजेशन से है, टीकाकरण से रिलेटेड है। सो 12 to 23 मंथ्स के जो बच्चे हैं अब थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, 62% से इम्यूनाइजेशन हो गया 76%, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 76%। नेक्स्ट है अनेमिया। अनेमिया होता है खून की कमी, तो 58% से 67% हो गया, ये बढ़ गया है एकदम से अंडर 5 चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये वाला 5 साल से जो कम बच्चों की उम्र में अनेमिया है वो थोड़ा सा बढ़ा है स्लाइटली, तो ये सोचने वाली बात है। खून की जो कमी हो रही है मतलब कि हर 3 में से एक बच्चा ऐसा है जो अनेमिया का पीड़ित है, ठीक है, so it means that 2 out of every 3 children under 5 in India anemic, खून की कमी है उसको। नेक्स्ट आपको वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट में भी जबरदस्त या फिर थोड़ा चेंजेस आए हैं। 53% वुमेन के पास ऑपरेट बैंक अकाउंट था, अभी 79% बैंक अकाउंट हो गया है। अब वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग सिर्फ बैंकिंग से ही नहीं मेजर करते, अदर थिंग्स भी हैं जैसे जॉब है, उनके सैलरीज है वगैरह भी। आगे देखते हैं 19% फैमिलीज इन इंडिया डो नॉट यूज टॉयलेट, 19% फैमिलीज के पास टॉयलेट नहीं है। अब ओपन डिफिकेशन होता ना, एक ओपन डिफिकेशन या फिर खुले में शौच कर रहे हैं,
तो 19% यहाँ पे फैमिलीज अगर टॉयलेट नहीं है तो वो ओपन डिफिकेशन करेंगे, तो वो भी डिमिनिश हुआ है अभी 39% इन 15-16, अब 19% रह गया ओपन डिफिकेशन। लेकिन कोई भी क्वेश्चन जिसमें गवर्नमेंट की छवि खराब हो रही हो ये क्वेश्चन कभी नहीं आता, ये बात में माइंड में थोड़ा बिठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन जिसमें गवर्नमेंट की छवि हो रही हो, क्योंकि यूजीसी अगर एग्जाम ले रहा है तो गवर्नमेंट बॉडी है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है एग्जाम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, कभी भी ये नहीं पूछेगा कि ओपन डिफिकेशन कितना है। हाँ, अगर ये ओपन डिफिकेशन 99% तक हो जाए तो ये गवर्नमेंट अपनी उपलब्धि मानेगी इसको, ठीक है, तब ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए, स्टेट विद लोवेस्ट टॉयलेट फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी सबसे लोवेस्ट है बिहार में, 62% के पास ही टॉयलेट फैसिलिटीज है, ठीक है। फिर उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, तो ओपन डिफिकेशन है तो बीमारियां भी फैलेंगी। नेक्स्ट, 66% ऑफ रूरल फैमिलीज डजंट ट्रीट देयर वाटर, 66% लोग गांव में अपना पानी को ट्रीट करते ही नहीं है, ठीक है, फिल्टर नहीं करते, और 44% अर्बन में भी ऐसे ही है जो वाटर को फिल्टर नहीं करते। चलिए, उसके बाद वुमेन हैविंग बैंक अकाउंट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, 79% हो गया है लास्ट 4 ईयर में। और क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, जो कुकिंग ऑयल है बिल्कुल क्लीन, 44% से ये हो गया 59%, ठीक है, क्लीन कुकिंग फ्यूल दैट इज ऑयल। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देख लो जो इससे आ सकते हैं। नेक्स्ट, एनएफएचएस स्टार्टेड इन विच ईयर, सबसे पहले एनएफएचएस की रिपोर्ट कब आई, ठीक है, 1993, 1992 और 1993। सीधा आंसर की तरफ चलते हैं, कुछ हमने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना, और इनका डिफरेंट डिफरेंट ठीक ईयर्स, अब तक 5 एनएफएचएस रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। नेक्स्ट, आपका एनएफएचएस नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट करने की किसको दी थी, एनएफएचएस 5, तो नोडल हमने अभी भी पढ़ा था आईपीपीएस मुंबई को नोडल ठीक एजेंसी के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। नेक्स्ट, आपका एज पर एनएफएचएस 5 देर आर हाउ मेनी वुमेन पर 1000 मैन, ठीक है, मतलब कि सेक्स रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो कितना है 1020। मेन बात यह है कि ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ये बात एक बार देखोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। एनएफएचएस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज मल्टी राउंड सर्वे है, ठीक है, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन फर्टिलिटी, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी, प्रैक्टिसेस ऑफ फैमिली प्लानिंग, बिल्कुल ठीक है, ये इसी से रिलेटेड तो है ये सर्वे, एंड इट प्रोवाइड एसेंशियल डेटा नीडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बिल्कुल यही कंडक्ट करता है इसको, एंड अदर एजेंसीज फॉर स्ट्रक्चरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए ये डेटा बहुत जरूरी चाहिए होता है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो मल्टी राउंड है, फेज 1 फेज 2 भी चलता रहता है इसका। नेक्स्ट, एनएफएचएस 5 के अकॉर्डिंग टीएफआर कितना है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, यूजीसी में भी और डिफरेंट डिफरेंट पीजीटी एग्जाम्स में भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने एग्जामिनेशन हैं जो एसलेट बोलते हैं इसको स्टेट में, ठीक है, स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो टीएफआर कितना है अभी 2, पहले कितना था 2.2, और 2.2 तो बहुत बार आ चुका है जब एनएफएचएस 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2020-21 वाले एग्जाम्स में। चलिए आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन है यूजीसी नेट से लिया हुआ, तो नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। टीएफआर कितना है 2, तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, तो ये ऑप्शन हट गया हमारा। नेक्स्ट, आईएमआर कितना है, आईएमआर हमारा है 35.2, ठीक है, तो 4 हुआ नेक्स्ट, तो ये भी हमारा करेक्ट है, और ये हो गया एलिमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका अंडर 5 41.9, इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो गया 89, ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट हैज हाईएस्ट टीएफआर, हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट वाइज आपका रैंकिंग पूछ सकता है स्टेट वाइज, ठीक है, हाईएस्ट किसमें, बिहार, कितना है ये भी देख लीजिए, और स्टेट की क्रोनोलॉजी या सीक्वेंस आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका सीक्वेंस, ठीक है। सो बिहार इज हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट कितना, 2.98, अब उसके बाद देखिए इनका सीक्वेंस, बिहार, मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26, मणिपुर 2.17, तो ये सीक्वेंस जरूरी है, क्योंकि कई बार सीक्वेंस में भी आ जाएगा, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर टीएफआर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लोवेस्ट टीएफआर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोवेस्ट में कौन है, हाँ जी, सिक्किम लोवेस्ट है, और सिक्किम एक ऐसा राज्य है, ये भी आ सकता है, जहां 100% ऑर्गेनिक खेती होती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 100% ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में कितना है 1.1 टीएफआर। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल बर्थ इन इंडिया, इंस्टीट्यूशनल बर्थ कितना, करेक्ट 89%। चलिए नेक्स्ट, आपको व्हाट इज द न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, डेथ्स कितने डेज के अंदर, ठीक है, 28 डेज के अंदर, पहले तो ये क्वेश्चन यहां आ जाता है, ठीक,
तो यहाँ पे जो है अभी 25 डेथ्स पर 1000 लिव बर्थ, ठीक है, और 28 डेज ये ध्यान रखना ऑलरेडी बन चुका है एग्जाम एग्जाम में। देखो जून 2015 के यूजीसी नेट एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेफरेंस पीरियड फॉर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना, 28 डेज आफ्टर बर्थ। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया एज पर एनएफएचएस 5, आईएमआर कितना है, अब इसमें फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ लेकिन एक्चुअल में कितना है 35.2, सो 35 यहाँ है तो फिर भी हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि आसपास कोई आंसर ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड हु डू नॉट यूज टॉयलेट एज पर, टॉयलेट कितने परसेंट लोग यूज नहीं करते या फिर यूज जिनका एक्सेस है ही नहीं, 19% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। विच स्टेट हैज लोवेस्ट टॉयलेट फैसिलिटी, अभी हमने डिस्कस किया था लोवेस्ट टॉयलेट कितना है, 62% लोगों के पास ही है बिहार में। चलिए उसके बाद झारखंड 70, उड़ीसा 71। चलिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड गर्ल्स एंड वुमेन एज 15 to 49 इन इंडिया हु आर एम्प्लॉयड, ये क्वेश्चन भी वैसे आउट ऑफ द बॉक्स है लेकिन आ सकता है, ठीक है, जो फर्टिलिटी जो आपका रिप्रोडक्टिव एज है 15 to 49 ईयर का, कितनी मैरिड गर्ल्स हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयड हैं, ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने किया था वहाँ पे 32%, और बाकी यहाँ से कुछ ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए एक क्वेश्चन 2015 में ही आया था जून, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट फेटल डिसीजेस, इससे रिलेटेड है। तो कुल मिला के ये एनएफएचएस 5 की हेडलाइट्स थी और ये टोटल जितने भी पॉइंट्स हैं इनको कवर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो जितने पॉइंट एनएफएचएस 5 के थे वो कवर हो गए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आएगा, इससे ऊपर नहीं बनेगा, तो ये वाला पॉइंट भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक रैंडम, ठीक है, एक वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, थैंक यू सो मच।